शनिवार 21 सितंबर की रात दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में रहने वाली एक महिला को उसके दामाद का फोन आया। दामाद का नाम आशु। उधर से फोन पर आशु ने बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी का मर्डर कर दिया है। रोज रोज के इस झंझट से अब सबको मुक्ति मिल गई है। माँ को मालूम था कि बेटी और दामाद में झगड़ा होता रहता है, लेकिन बाद में सब ठीक भी हो जाता था, इसलिए उन्हें लगा कि दामाद आशु फोन पर मजाक कर रहा है। आशु के फोन की खबर परिवार में मां ने किसी और को नहीं दी। बात आई गई हो गई, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। आशु ने अगले दिन रविवार 22 सितंबर को प्रेमनगर पुलिस थाने में जाकर पत्नी की मर्डर की बात पुलिस वालों को बताई। पुलिस वालों ने भी समझा कि कोई नशेड़ी होगा, लेकिन आशु ने सच में अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था। तो क्या है ये पूरा मामला? हरदोई का एक परिवार दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में रहता है। बेटे आशु की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। 34 साल का आशु कंप्यूटर की दुकान पर हार्डवेयर का काम करता था। पत्नी से झगड़ा चलता रहता था। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आशु और उसकी पत्नी और उसके बच्चों को उसी के परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आशु पिछले 3 महीने से दिल्ली के किराड़ी इलाके में किराए पर रहने लगा था। आशु को अपनी पत्नी पर शक था। पुलिस की पूछताछ में आशु ने बताया कि पत्नी दिन रात फोन पर लगी रहती थी, फोन लॉक रखती थी, किसी से लगातार चैट करती रहती थी, फोन दिखाने को कहने पर फोन नहीं दिखाती थी। आशु ने शनिवार 21 सितंबर को पत्नी को पुराने घर प्रेमनगर बुलाया, पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश के कई टुकड़े करके घर के सेप्टिक टैंक में डाल दिए। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर सेप्टिक टैंक से शव के कुछ हिस्से बरामद कर लिए हैं। आरोपी आशु प्रेमनगर पार्ट 3 में शनि बाजार रोड पर परिवार के साथ रहता था। कुछ दिन पहले सड़क बनने की वजह से उसका घर सड़क से 5 फीट नीचे हो गया था। इसके बाद आशु पत्नी और 3 बेटियों के साथ पास में ही किराए के मकान में रहने लगा। उसके माता पिता और 2 भाई भी आसपास से ही किराए पर रहते थे। आशु को उसकी पत्नी के साथ लगातार झगड़े की वजह से परिवार में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस प्रेमनगर के पुराने मकान में आए। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लनटॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।